और दोस्तों, क्या हाल है? सब कैसे हैं? बालों का अभी भी मेरा सेटिंग चल रहा है हाथ से ही, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग रेडी हो रहे हैं अभी भी। आज कुछ स्पेशल एक पार्टी अरेंज किया हुआ है हमारा एनिवर्सरी वीक का ही, तो ये सोचा कि मैंने ट्राई करूँगा। फिल्म वगैरह में देखता रहता हूँ, लेकिन ये असलियत में करना काफ़ी मुश्किल पड़ गया। कोशिश जारी है, चलो कर दिया ठीक ठाक। अपराजिता थोड़ा गुस्से में थी, मैं एक्चुअली लेट कर रहा था। अभी लग रहा है मैडम का मूड थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। हम लोग जो है रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं गेस्ट को होस्ट करने। सब आ गए हैं, मौसी मौसा जी और मेरे कजिन ब्रदर सब आ गए हैं। चलिए देखते हैं। तो ये मेरी दीदी है, मुझसे 5 साल बड़ी है, मैं दीदी भाई कहता हूँ इन्हें। और ये मेरा भांजा है, शरारती है बहुत। यहाँ अभी एल्बम देखना चल रहा है शादी का। तो इन्होंने मामी बोल ही दिया फाइनली। ये मेरे मौसी मौसा जी और मेरा कजिन ब्रदर, और ये मेरी ग्रैंड मदर है, तो मैं इन्हें दीदा कहता हूँ। ये मेरा स्टडी रूम है, मैं यहीं पे आप लोगों के लिए वो स्टेनोग्राफी रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। वो हमारा बेडरूम था, शुक्रवाना अंदर गया नहीं, तो तहस नहस कर देता। बेबी फोटो उठ छे। ये इतना ज्यादा शरारती है, क्यों मामा खींच रहा है दीदी को अभी पता चलेगा आपको। ओ मामा नामो और तुम्हें वही कोड भी। ये दीदी को सीढ़ी से उतरने के लिए बोल रहा था कि ये खुद शरारती कर सकती हैं। बस दीदी उतर गई, अभी ये स्टार्ट होगा। देखो कैसे कर रहा है। तो दीदी अभी रेडी होगी और इसके बाद फोटो शूटिंग स्टार्ट होगा हम लोगों का। और ये आ गया पूरा ग्रुप एक साथ, ये दादी जी, ये अपराजिता, मौसी, फिर दीदी, भांजा, और उधर पापा भी बैठा हुआ है, कजिन ब्रदर, और ये चेक टी शर्ट में पापा, ये मौसा जी, और रेड शर्ट में मेरी मम्मी। अभी भी और एक ग्रुप आने वाले, अभी आए नहीं, मेरे दीदी के ससुराल से। ये थोड़ा सेल्फी के लिए मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि मैं नहीं आ रहा। यार इसका रोना कभी रुकता ही नहीं है। ये फिर फोटोशूट स्टार्ट हो गया, इसके बाद लगातार फोटोशूट है एक से एक। ये दीदी के साथ मैं और पापा ही, दो भाई, और ये अपराजिता के साथ भी एक खिजवाली, और फिर आगे ये दीदी, अपराजिता और मौसी जी, और मेरे मम्मी पापा। और दोस्तों ये हम लोग का ग्राउंड फ्लोर है, ये दीदी के ससुराल से आ गए हैं, दीदी के ससुर जी, मैं जेठू बोलता हूँ, और उधर ये दीदी के सास है, मैंने जेठी माँ बुलाता हूँ, तो ये भी आ गए हैं। ये दीदी भाई है, ये दादी जी, और ये मेरे जीजा जी है। दादी जी वही डांट रहे हैं इनको कि लेट से आए हो तुम।
ये मौसी जी ने पकड़ लिया जिया जी को। 18 नवंबर दीदी और जिया जी का एनिवर्सरी है, तो ट्रीट देने के लिए। ओइटा ओइटा दीदी भाई बियर फोटो। ना ना एटा 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 एटा। ये थोड़ा जेठी माँ देख रही है कि कौन सा फोटो लगवाया है मैंने। और दीदी के शादी का है और मेरा शादी का तो है ही। तो मेरे जीजा जी का भाई नहीं आ पाए, उनका दोस्त का फादर हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो वही दीदी पूछ रही है। अपराजिता जो है जेठू और जेठी माँ को हमारे स्टडी रूम का दर्शन करवा रही है, ये पहली बार आए हैं। जीजा जी पूछ रहे कि ये लाइव रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्लॉग में मैं डालने वाला हूँ। जेठी माँ का कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये वाला चेयर में बैठने के लिए कोई तक कह रही है। बस ये बैठ गए सब एकदम रेडी होके, अभी स्टील फोटो भी खींचने वाला हूँ मैं। ये आ गया इनका स्टील फोटो, और ये मौसी जी जेठी माँ और हम दोनों, और ये थैंक्स टू पापाई बहुत बढ़िया फोटो खींचा ये। फिर खाने में आ गए हम लोग, फ्राइड राइस बनाया था मम्मी ने और चिकन बना था जॉइंट एफर्ट दीदी मैं मम्मी अपराजिता सब मिलके, और मौसी जी चटनी और खीर लाए थे सिमई वाला। और फिर खाने के बाद ये वाला बटर स्कॉच आइसक्रीम भी हम लोग लाए थे मैं और अपराजिता, तो ये सबको सर्व किया। तो ठीक है गाइस, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बताना कैसा लगा आप सबको।